जय श्री राम फैमिली, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो टुडे वी आर एक्सप्लोरिंग नानेमाची वाटरफॉल और आपको मैं घर बैठे बैठे इसके वाइब्स दिलाऊंगा, इसके व्यूज दिखाऊंगा। सो वीडियो पूरा देखिएगा। सो चलो एक्सप्लोर करते हैं। सी दिस नेचर गाइस, हाउ ब्यूटीफुल। नेचर के साथ बिताया हुआ वक्त कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी वेस्टेज नहीं होता और हमारे लिए इतना हेल्पफुल होता है। एक पीस मिलता है हमें, एक हैप्पीनेस मिलती है नेचर से। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, जितना हो सकता है आप उतना एक्सप्लोर करो, नई नई चीज़ें देखो, अलग 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 जगह एक्सप्लोर करो। एंड आई एम श्योर गाइज, आप मुझे इग्नोर करोगे बट नेचर को इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज की जर्नी हमने पुणे से स्टार्ट की है। पुणे से होते हुए हम सारोड़ा, देन लेफ्ट टर्न लेके हम भोर सिटी से आगे चले हैं। तो इस वे से होते हुए आपको रास्ते में नीरा डैम ज्वाइन होगा, वहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, तो आप वहाँ पे सेल्फीज क्लिक कर सकते हो, कुछ देर रुक के रेस्ट कर सकते हो, ब्रेक ले सकते हो या स्नैक्स वगैरह कुछ भी खा सकते हो। तो यहाँ पे ब्रेक लेके मैंने कुछ ड्रोन शॉट्स लिए हैं जो कि ये आपको दिख रहे होंगे। देन मैंने थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह मैगी वगैरह खा के मैं निकलता हूँ आगे की ओर। तो गाइज, ये मानसून जितना खूबसूरत है उतना डेंजरस भी है, और इस मानसून में कई जगह पे बाढ़ आके गई है। और हमने जहाँ पे विजिट किया है उसके दो दिन बाद वहाँ पे उसके जो नियरेस्ट वाला विलेज था वहाँ पे बाढ़ आके वो पूरा का पूरा विलेज पानी में चला गया। सो आपकी जो एडवेंचर ट्रिप है ना, मैं तो बोल रहा हूँ आप एंजॉय करो बट बी केयरफुली गाइज, आप सेफ्टी का भी ध्यान रखो अपने। तो ये है वर्धा घाट और हम एग्जैक्टली कावड़ा फोर्ट के आगे के साइड पे खड़े हैं। और गाइज आप देख सकते हो राइट साइड में जो बड़े बड़े स्टोन्स है वो कुछ देर पहले या फिर एक दिन पहले के है। सो आपको हर एक पल सावधान होना है, सावधान रह के चलना है गाइज। एक्चुअली मेरी आज की ट्रिप अनप्लान थी, सडनली मुझे थॉट आया कि किधर घूमने चलते हैं और मैं निकल गया घर से। मैं 3-4 बजे निकला था और मुझे रात हो गई घाट में। ये 60-80 किलोमीटर्स का घाट है और बहुत डेंजरस है। सो आप जब भी निकलो तो सुबह सुबह निकलना, अगर आपको रात में घाट का सफ़र करना पड़ता है तो वो बहुत डेंजरस है और आपको डर भी लग सकता है। मुझे भी थोड़ा डर लगा, आगे पूरा कोहरा ही कोहरा था, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था सामने का लिटरली। यहाँ पे स्टे करने वाले अपन, चलो ये जगह है टेंट डालने के लिए। Yes. कौन सा टेम्पल है? सो दिस इज काल भैरव टेम्पल। और लेट बहुत हो गया इसलिए हम यहाँ पे स्टे करने वाले हैं आज, और सुबह सुबह काल वाटरफॉल के लिए जाने वाले हैं। सो आगे एक घर था, हमने उनसे परमिशन ले ली कि हम यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। सो उन्होंने बड़े प्यार से हमें स्टे के लिए ओके बोल दिया और हमारी बहुत सारी हेल्प की। बहुत प्यारे लोग हैं गाइज, इस गाँव के बहुत प्यारे लोग हैं। और कुल 25 या 30 ही घर होंगे इस गाँव में, बस 25 या 30। तो अभी हमारा टेंट का सेटअप हो गया एंड सी आंटी ने अभी हमें पानी ला के दिया, बहुत नेसेसरी था। हमने उनसे बोला भी नहीं फिर भी उन्होंने खुद से ला के दिया और खाने के लिए भी पूछा हमें। सो बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे के। तो अभी हम बनाने वाले हैं टोमेटो सूप गर्मा गर्म, बहुत ठंडी, हम बारिश में भीग के आए हैं तो अभी गर्मा गर्म सूप पी के एनर्जी लेते हैं। तो अभी ये प्रैंक हो गया हमारे साथ, एक्चुअली ऊपर फैन चालू था बहुत स्पीड से, सो उसकी वजह से ऐसा हुआ। अच्छा होगा हमारा स्टोव टेंट के अंदर नहीं था, नहीं तो हमारी पूरी की पूरी लंका जल जाती। तो आप जब भी ये कुकिंग वगैरह करोगे टेंट के बाहर के साइड करना, अगर जब बारिश होती है तब इनके साथ अंदर कर सकते हो बट केयरफुली। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाते हैं, जैसे मुझे आज सीखने मिला कि कुकिंग वगैरह बाहर के साइड करो, जहाँ पे आग लग सकती है वहाँ पे या डेंजरस प्लेस पे मत करो। लो हमारा गर्मा गर्म सूप रेडी हो गया है, अभी थोड़ा चख के देखता हूँ आखिर बना कैसे। फिर से बारिश शुरू हो गई, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है कंटिन्यू। हम जब से निकले पुणे से तब से बारिश चालू है, हम पूरे भीग गए हैं
अभी हमने कपड़े सुखाने के लिए रखे और ये बारिश की खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ऑसम, क्या फ्रेश मॉर्निंग है। सिटी में रहने की यही ड्रॉबैक है, हमें बिल्डिंग के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। और ये विलेज में देखो, साउंड्स, एनवायरमेंट्स, फ्रेश एयर, वाओ। इस खूबसूरत सी फ्रेश मॉर्निंग के साथ हम आगे चलते हैं और आगे चलते हुए हमें एक रिवर ज्वाइन होती है जिसका नाम मुझे पता नहीं है, बट यहाँ से आगे चल के हमें 6-7 किलोमीटर का ट्रेक करना है। अभी एक अच्छा रास्ता है जंगल का, सो सब तरफ मिट्टी मिट्टी है और ऊपर से बारिश, तो ये सब फिसलन वाली मिट्टी या फिर जो गाढ़ा चिकल मड़ जो होता है उसकी वजह से आगे गाड़ी नहीं जा सकती। और शायद आगे भी ऐसा रास्ता होगा, तो हमने यू टर्न मार के हम दूसरे वे से जाने वाले। अभी इस रास्ते से होते हुए हमें 100+ वाटरफॉल्स देखने मिले। 100+, गाइस, यू कांट बिलीव। और ये सच है, हमने 100+ वाटरफॉल्स देखे हैं। अगर आप इस वे से होते हुए जाते हो तो आई ची शपथ, आप मनाली, कश्मीर सब भूल जाओगे। सब गारंटी, आई गारंटेड, सब भूल जाओगे आप। मेरा खुद का यहाँ से जाने का मन नहीं था, और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि डेस्टिनेशन ज़्यादा मज़ा सफ़र में आता है, तो एंजॉय करो सफ़र को। तो वहाँ से रिवर्स आके अभी हमें दूसरे वे से जाना था, बट आगे चल के हमें पता चलता है कि वो ब्रिज भी टूटा था, बहुत पुराना ब्रिज था, सो वो रास्ता बंद हो चुका है। तो अभी हमें तीसरे वे से जाना है। तो अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, कल से हमने कुछ खाया नहीं। आपने जैसे देखा, मैगी और वड़ा पाव के अलावा हमने कुछ खाया नहीं था, और रात में डायरेक्टली सूप पिया था, बहुत भूख लगी है, तो खा लेते हैं हम। इसे वरंदा घाट खत्म होता है, आपको सीधे सीधे चले आना है। लास्ट पॉइंट पे एक विलेज मिलेगा जहाँ पे ये वाला ब्रिज होगा, वहाँ से होते हुए आपको जाना है। और हमारे जैसा एक्सपीरियंस लेना है तो उससे पहले थोड़ा आप मैप पे डाल सकते हो शिवथरगढ़। तो शिवथरगढ़ वाला जो रास्ता है वो फॉरेस्ट एरिया है, और आपको रोड के साइड से रिवर आपको पैरेलली चलती है, और वहाँ पे शिवथरगढ़ वाटरफॉल भी है जो मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगा आपको। तो रास्ते में आपको ऐसे छोटे नक्सलवादी मिल सकते हैं, तो सावधान रहिएगा। ले भाई, मैं मर गया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा बच्चा था ये। तो ये वाला विलेज कवर होने के बाद यहाँ पे दो बे आएंगे, तो आपको लेफ्ट वाला लेना है जो नाने माचे वाटरफॉल के लिए जाता है, और आगे वाला जो बे है वो सात सड़ा वाटरफॉल के लिए जाता है। ऊपर है ना, किधर? नानी, पहले नानी माची जाके आते, फिर साथ चढ़ा जाते। आने के बाद इधर एक गांव के लिए रास्ता है, और ये जो रास्ता है ये वाला, ये जाता है नानी माची वाटरफॉल के लिए।
तो अभी हम इधर से जाने वाले हैं। चार चार वॉटरफॉल ऐसे एक ही जगह पे चार वॉटरफॉल। चल तू चल चल कैमरा वाला भी खाली चलना चला चला पाटिल तो अभी हम आए सह्याद्री पर्वत में फॉरेस्ट में तो यहाँ पे है वाटरफॉल है 50-60 वाटरफॉल देखिए रास्ते में गया। तो अभी हम आए नाने माचे वाटरफॉल। हमें बहुत पैदल पैदल जा रहे हैं फॉरेस्ट में से। आप देख सकते हो कितने हमें कितनी तकलीफ हो रही है। फिर भी हमने सामना करके क्या बोलते उसको सामना करके जा रहे हैं हम वाटरफॉल के लिए। वाटरफॉल दिख रहा है आपको? जूम करके बताओ भाई साहब। ऊपर इधर एक अलग वाटरफॉल चल रहा है। चलो अभी किसी का खाइए मुझे। सब तो हो गया। मेन वाटरफॉल के नीचे जाने वाले हम। वो देखो भाई बहुत डेंजरस रास्ता है, बहुत डेंजर। कभी भी आओ तो संभलते हुए आना। ज़्यादा एक्साइटमेंट मत दिखाना भाई। वेदर क्लियर हो गया, अभी हम ड्रोन उड़ा सकते हैं शायद से। तो पता नहीं अभी वो साइड में क्या हाल है। तो ये गाइस नाने माची वाटरफॉल। भाई संभल के आओ। इधर ये पत्थर को पकड़ के आओ। बहुत प्रेशर है, पत्थर को पकड़ के आओ, बैठ के आओ। हाँ सोली
ऐसा तुमको यूट्यूब भी मिलेगा क्या? हाँ डायरेक्ट भी मिलेगा ना? हाँ मिलेगा। Nice shot. If you like this vlog, then don't forget to like, share, subscribe. Jai Shri Ram.